गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ डे टू इन कसौली। सो आज का जो ब्लॉग है ये मैं रिजॉर्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ, बिकॉज टुडे विल बी गोइंग टू दिल्ली, अपने अपने घर जाएंगे। और आज मैं आपको इस वीडियो में जो हम रिजॉर्ट में जिसमें रुके हैं उसका डिटूर दूंगा कि रूम्स कैसे दिखते हैं, प्रॉपर्टी कैसी है। इसके साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। और हमें ये जो रिज़ॉर्ट है ये हमने 1 वीक पहले बुक किया था, तो हम लोगों को ईजिली मिल गया था यहाँ से। अब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, अगर आपके पास 2 दिन है तो आप एक दिन यहाँ पर स्टे करके नेक्स्ट डे शिमला जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। अदरवाइज़ इफ़ यू हैव 1 डे तो 1 डे के लिए बेस्ट प्रॉपर्टी है, यहाँ पर आके स्टे करो एंड देन बैक टू दिल्ली। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इस रिज़ॉर्ट का नाम है जंगल लॉज रिज़ॉर्ट, और जो कसौली हाईवे है वहाँ से एग्जिट करके ये जो रूट है इससे यहाँ पर आना होता है। लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ जाके चेकआउट कर लेना। यहाँ पर हमने अपनी बाइक्स बिल्कुल सेफली पार्क की हुई हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से एंट्री है, यहाँ से अपनी एंट्री होती है। सो ये रिसेप्शन एरिया एंड देन ये वेटिंग एरिया है। सो यहाँ पर एक छोटी सी इन्होंने लॉबी टाइप की बनाई हुई है जिसमें आप बैठ के बातें बातें कर सकते हो, बढ़िया व्यू को एंजॉय कर सकते हो। सो ये इनका डाइनिंग एरिया हो गया। एंड देन ये आउटसाइड एरिया है, यहाँ पर शाम को जो आप स्टेज देख रहे हो, जो आपने इससे पहले वाली वीडियो में देखा होगा, वहाँ पर गाला प्रोग्राम चलता है। एंड यहाँ पर भी चिल आउट करने का काफ़ी ऑप्शन है। और हमारा ग्रुप जो है वो यहाँ पर बैठे हैं। तो थोड़ा सा आगे चल के आपको यहाँ पर एक सेपरेट व्यू मिलता है। अगर आपको इस जगह पे आके चिल आउट करना है, दिस इज़ सेपरेट प्लेस। सो यहाँ पर आप ड्रिंक्स वगैरह ज्वाइन कर सकते हो और इस व्यू का आनंद ले सकते हो। जस्ट लुक एट दिस व्यू। हम लोग कल रात को यहाँ पर बैठे हुए थे, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है ये, बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ आई थी। तो फोटोज़ जितनी भी है फोटो सारी मैं अपने इंस्टाग्राम आईडी पे डाल दूंगा, आप वहाँ जाकर मुझे चेकआउट कर सकते हो और मुझे फॉलो कर सकते हो। सो यहाँ पर 2 तरीके के रूम सेक्शंस होते हैं, जो मैंने आपको वहाँ पर रिसेप्शन दिखाई थी। सो वहाँ से अगर आप नीचे जाओगे तो एक तो ये रूम्स हैं और ये सेकेंड रूम सेक्शन है। यहाँ पर ये प्राइवेट पूल है इनका, ये बिल्कुल सेपरेट बना हुआ है। नीचे आप जैसे पूल देख रहे हो, ये पूल, सो ये प्राइवेट पूल है। तो एक बार मैं आपको एक्सप्लोर कराता हूँ कि हमने जो रूम ऑक्यूपाई किया है वो कैसा है। तो गाइज़ ये है हमारे रूम के बाहर का एरिया। सो 2 रूम हमको अलॉट हुए हैं, एक ये और एक सामने, और 2 ऊपर की साइड है वहाँ पर। सो यहाँ से हमारे रूम की एंट्री है एंड दिस इज स्मॉल सिटिंग एरिया। सो पीछे में जो व्यू है कुछ इस तरीके का आपको मिलेगा। ये देखो, यहाँ पर बैठ के आप आराम से चिल आउट कर सकते हो। बहुत सारे यहाँ पर प्लेसेस हैं बैठ के चिल आउट करने की। तो एक तो वो सामने है, एक यहाँ पर है, नीचे है, और पीछे की साइड भी 2-3 है, तो आप वहाँ पर चिल आउट कर सकते हो। एंड ये हम लोगों का रूम है, ये देखो। सो यहाँ पर LED है, वार्डरोब है, कॉफ़ी बनानी है अपनी कॉफ़ी बनाओ एकदम बढ़िया, जो हमने अभी तक नहीं बनाई। सो ये है अपना फ्रेंड नमन, नमन इज अ भूसा राइडर। नमन कैसा रहा एक्सपीरियंस राइड का भी और इसका भी, दोनों का? राइड का तो बहुत मजा आया, सारे दोस्त थे, सब हम कनेक्टेड थे, अच्छे से बातें करते हुए आज चिल कर रहे हैं। हमने रेस मारी है, हमने लाइक स्ट्रेच भी लिए हैं अच्छे से 200-250 की स्पीड के, और आराम से भी राइड किया है, इंजॉय किया है एक्चुअली बहुत अच्छे से। फिर हम जब इस प्रॉपर्टी पर आए, प्रॉपर्टी भी काफ़ी औसम है, लाइक कमरा आप देखो सीधे घुसते ही सोने का मन करता है, इतना अच्छा वो है इसका एनवायरमेंट है। ऊपर से फिर हमने लाइक हमने रात को बैठ के काफ़ी गपशप करी, यहाँ पे लाइव म्यूजिक हुआ, बहुत कुछ था, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा था। और सबसे अच्छी बात है कि जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर एंट्री करी ना भाई, ये जो जैसे बोला अभी नमन ने, बहुत बढ़िया नींद आई, लिटरली नींद बहुत बढ़िया आई। मतलब रात को हम लोग कोई 1 बजे सोए थे और सुबह 9-9:30 का पता ही नहीं लगा कि कब बजे, ऐसा लगा कि अभी सोए हैं और अभी 9 बज गए। बहुत बढ़िया नींद आई एकदम, मैट्रिक्स बहुत अच्छे हैं। और ये जो बोल रहा है ना कि हम आराम से आए हैं, कहीं आराम से नहीं आए, मिनिमम स्पीड इसकी 140 थी। सो ये हमारा रूम से बाहर का व्यू है और यहाँ पर हमारा सिटिंग एरिया है। सामने में जो आप देख रहे हो ये प्लेग्राउंड है, यहाँ पर बास्केटबॉल, क्रिकेट, व्हाटएवर यू वांट टू प्ले वो आप कर सकते हो। एंड दिस इज़ आवर वॉशरूम,
सो कोई भी प्रॉपर्टी में अगर आप आओगे तो वॉशरूम इज़ द मेन थिंग, वो अच्छा होना चाहिए, बाकी सब बढ़िया है। सो नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय टू दिस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, और हम लोग यहाँ से चलते हैं और अपना सामान वान हम लोग पैक कर रहे हैं और यहाँ से जाएंगे अपनी बाइक पे। सो मिलते हैं आपसे बाइक में थोड़ी देर में, फिलहाल वी आर गेटिंग रेडी। और भाई क्या हाल है? बढ़िया, सही है। सो नाउ वी ऑल आर रेडी, चलो जी चलते हैं दिल्ली की ओर लेके माता का नाम। बोलो सच्चे दरबार की जय, जय माता दी। सो अभी फ़िलहाल बज रहे हैं 12:43 और अभी मेरी बाइक में फ्यूल काफ़ी है, इतना है कि आराम से चंडीगढ़ और अम्बाला तक भी क्रॉस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये रास्ता थोड़ा सा यहाँ पर ख़राब हो जाता है कोई 1 किलोमीटर का, अच्छी प्रॉपर्टी थी, बहुत मज़ा आया यहाँ पर स्टे करके। एंड आई होप आप लोगों को लास्ट ब्लॉग अच्छा लगा होगा। सो लास्ट ब्लॉग में मैंने रास्ता एक्सप्लोर किया था, यहाँ पर आके थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया था प्रॉपर्टी का, नॉट 100%। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो वीडियो को मैंने अपने प्लेलिस्ट में डाली हुई है कसौली के नाम से, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। वीडियो को लाइक ज़रूर करना। सो मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, धूप नहीं है ज़्यादा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, क्लाउडी क्लाउडी वेदर है। और अभी फॉरकास्ट भी चेक किया है कि आज बारिश तो नहीं है। सो कल से लेके पूरे वीक दिल्ली में बारिश है, यहाँ भी बारिश है, ऐसा वेदर फॉरकास्ट बता रहा है। तो इसका मतलब कि हमने बहुत सही टाइम पे अपना ट्रिप प्लान कर लिया। एक नया रूट है, वहाँ से होते हुए जाएंगे, तो बहुत किसी ने बताया बहुत अच्छा सीनिक व्यू है, आप वहाँ ज़रूर जाइए। तो वहाँ से होते हुए ये रोड बहुत नैरो है, बारिश के टाइम पे स्लशी हो जाता होगा पक्का। अरे क्या बात है, कल हाईवे पे दिखी थी मुझे काले रंग की बिल्ली, कल हाईवे पे दिखी थी मुझे काले रंग की बिल्ली, और आज हम लोग जा रहे हैं दिल्ली। अरे वाह भाई वाह 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 वाह, ये जो आपने शायरी बोली है ना जनाब, अगर हम चाहें तो हम आपके ऊपर केस भी कर सकते हैं। तो इस तरीके की शायरी कमज़ोर दिल वाले ना सुने तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। भाई बाइक लोगों को तो सब देखते हैं इतनी सारी बाइकें जब एक साथ हाईवे पे आती हैं सब लोग रुक रुक के देखते हैं। You're making it worse. I'm not gonna feel a thing tonight. Not gonna feel a thing. I'm not gonna see your face tonight. Not gonna see your face. Don't wanna hear anything that you say. Your love is a game that I don't wanna play. So cry all you want, but I still walk away. पर ये स्विफ्ट का एक्सीडेंट हुआ है और तगड़ा ही हुआ है, तगड़ा ही टोटल लॉस हो गई है। तो CH नंबर कुछ भी रीजन हो सकता है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ रीजंस। तो जो चला रहा हो वो सेफ हो तो सही है, वरना इस तरीके के एक्सीडेंट्स में तो सीधा टिकट कटती है। तो हम लोग अपने नए वाले रास्ते पे पहुंचने वाले हैं, जिस रास्ते से हम टूवर्ड दिल्ली जा रहे हैं। तो ये शाहबाद कोई जगह आती है, शाहबाद करके रास्ता है, वहाँ से निकलेंगे हम। तो इस पर जीरकपुर नहीं आएगा,
और कहाँ निकलेंगे ये तो मुझे भी नहीं पता, बट मैं तो साथ साथ अपने ग्रुप के चल रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ मेरे। बड़ा ब्यूटीफुल रास्ता भाई, ये तो GFR की याद दिला रहा है, गुड़गांव फरीदाबाद रोड। रास्ता बहुत खूबसूरत है, ये रास्ता मुझे अहमदाबाद वाले हाईवे की याद दिला रहा है, जो अजमेर से अहमदाबाद रास्ता ज़्यादा बिल्कुल सेम वही है, माउंट आबू पाली और जोधपुर, वो यही रास्ता है। हाओ मर्सिडीज SLK, करनाल हम लोग पहुंच गए नीलकंठ स्टार पे, यहाँ पर बैठ के खाना खाएंगे बढ़िया एकदम। वो क्राउड तो भाई बहुत लग रहा है, और यहाँ से दिल्ली है अभी 120 किलोमीटर। और हम लोग जब खाना खा रहे थे तो वहाँ पर मेरे को एक सब्सक्राइबर मिला, छोटा बच्चा था, उसने आके बोला कि मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, आपका चैनल, मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ। तो बड़ा अच्छा सा फील हुआ, ऐसा बहुत ही कम होता है मेरे साथ, तो बट मेरे साथ ऐसा बहुत कम होता है कोई मिलता है तो, बट अच्छा लगता है, एक मोटिवेशन मिलती है। यहाँ से गुड बाय करने का टाइम आ गया है और चार राइडर पीछे रह गए, चार राइडर यहाँ पर है। तो मेरे साथ पीजे भैया और मेरे साथ सरांश है, तो ये दोनों यहाँ से गुड बाय कर रहे हैं और बाकी लोग बहुत पीछे हैं, मतलब दे गाइस विल टेक अनदर 20-25 मिनट। तो इट्स बेटर कि यहाँ से वेट करने से घर चलें और सब लोग अपना व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से निकलते हैं और मिलते हैं आपसे रास्ते में। तो फिलहाल दो लोगों को, तीन लोगों को बाय बाय करते हैं और मैं अकेला जाऊँगा घर, तो 15-20 मिनट में मैं भी पहुँच ही जाऊँगा। और गाइज ये मैं पहुंच गया दिल्ली, मतलब ये जो कूड़े का पहाड़ है इसका मतलब दिल्ली आ गया। वैसे तो दिल्ली काफ़ी पहले से आ जाता है बट यहाँ आके ऐसा लगता है कि यहाँ दिल्ली आ गया, क्योंकि यहाँ से हमें लेफ्ट लेना होता है और एक अंडरपास जो है वो गुड़गांव वाले जाने के लिए जो है उनको अंडरपास से जाना होता है, तो अपने को लेफ्ट लेना है। और अभी टाइम हो रहा है 8:06:23, 5.5 घंटे में हम लोग दिल्ली आ गए। तो इसी के साथ करते हैं अपनी आज की ट्रिप क्लोज़, आज के 2 दिन ये अपने क्लोज़ करते हैं और दूसरा ब्लॉग कोई और आपके लिए लेके आएंगे। तो फिलहाल अगर आपको अच्छी लगी हो हमारी ट्रिप, हमारी राइड, हमारी वीडियो, तो हमारी बाइक्स के लिए एक लाइक करना और लाइक किए बिना जाना मत, वो ज़रूरी है करना। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, अगर नहीं किया ना तो ये वीडियो देखने के बाद आपका फ़ोन हैंग हो जाएगा, अगर सब्सक्राइब कर दिया तो नहीं होगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको फ़ोन हैंग करना है या सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड ऑन माय चैनल। Bye-bye!